वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 5 जून 2021 और 5 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कहाँ पर, जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं, तो भाई देख लेते हैं आज का कोट क्या कहता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चाहे कितने भी लोग आपके या हमारे किसी के भी अगेंस्ट हो बट आप अपने एम को बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि एक ना एक दिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो डेफिनेटली वो लोग आपके फेवर में बोलने लगेंगे। चलिए तो आई होप अपने लाइफ में आप लोग ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साइंस की तो साइंस के इसमें 20 सेट हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करें जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं, जीएस ऑनलाइन की बात करें जीएस ऑनलाइन के 25 सेट हैं और मैथ्स और रीजनिंग का अगर मैं आपको बताऊँ तो 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आई होप सब लोग इसी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP वृद्धि के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 9.5%, ठीक है, 9.5% इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअल में न्यूज़ क्या कहती है देख लेते हैं। 4 तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत विभिन्न दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। कौन कौन सी दरें हैं मैं बता देती हूँ। रेपो रेट को 4.25 पर अपरिवर्तित रखा गया है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%। और यहाँ पर अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP वृद्धि दर को 9.5% रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से एक मिनट के अंदर अंदर रेपो रेट की जो डेफिनेशन है ना वो बता देती हूँ, समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, ठीक है। रिवर्स रेपो दर जो है वो क्या है, वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो रिवर्स रेपो दर अलग है, रेपो दर अलग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो भाई आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्रैक करेंगे। और हाँ, PDF आप लोग को कहाँ पर, PDF आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको PDF और वहाँ पर डेली क्विज भी होता है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस में बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। तो कौन से स्टेट में पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में इसको ढूंढा गया है। एक्चुअल में न्यूज़ क्या कहती है देख लेते हैं। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा नासिक में एक पहाड़ी पर त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं जिसे पांडव लेनी भी कहा जाता है, इनका दस्तावेजीकरण करने के लगभग 2 शताब्दियों के बाद इन नई गुफाओं की खोज की जा रही है। चलिए, गुफाओं की प्राचीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई है, वे बौद्ध भिक्षुओं के आवास रही होंगी और पुरातत्वविदों का मानना है कि भाई ये गुफाएं त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी जगह, नासिक। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन आईआईटी डैश ने एम्फोक्रेटिन की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की है जिसे MB कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं एक्चुअल में न्यूज़ क्या है। न्यूज़ कहती है एम्फोटेरिसिन बी
कि नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की गई हैं किसके द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, जिसे एमबीबी कहा जाता है। साथ में मैं आप लोग को बताऊं, वहां के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक को बौद्धिक संपदा अधिकारों मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुक्त रखने का भी फैसला किया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन सी आईआईटी के द्वारा, हैदराबाद की आईआईटी के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भाई सीधा सीधा पूछा गया है ये क्या चीज है, क्या चीज पूछा गया है, ब्लू फिन महासीर। ब्लू फिन महासीर क्या है, तो ये एक टाइप की फिश है। जी हाँ, ये एक टाइप की फिश है। हाल फिलहाल में सुर्खियों में क्यों है हम देख लेते हैं। टाटा पावर के अकॉर्डिंग ब्लू फिन महासीर को कम से कम चिंता मतलब लीस्ट कंसर्न का स्टेटस दे दिया गया है, जिसे पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊँ, टाटा समूह लोनावला में 50 साल से ब्लू फिन और गोल्डन महाशीर के संरक्षण में शामिल है। गोल्डन महाशीर के अब भी विलुप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। साथ में आप लोग को लिखना है एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन कहता है क्या, 4 जून 2021 को सीनियर केयर एंजिंग ग्रोथ इंजन या सेज प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं, थावर चंद्र गहलोत। जी हाँ, थावर चंद्र गहलोत इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको बात बताऊं, विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा प्रदान की जाने वाली बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के वन स्टॉप एक्सेस का चयन करने, समर्थन करने और बनाने के लिए सेज परियोजना को शुरू किया गया है। बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर आधारित प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद इस परियोजना को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है थावर चंद्र गहलोत। तो आपका आज का अगला क्वेश्चन क्या है, थावर चंद्र गहलोत जी के पास कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री दी हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं। तो ये आपको कहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। ईगल एक्ट, ईगल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को खत्म करने के लिए कानून को फिर से पेश किया है और इस कानून को ईगल एक्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसे भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया था जो दशकों से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे थे। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं ईगल एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, EAGLE की फुल फॉर्म क्या है, तो इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है अमेरिका। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किस देश से संबंधित है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा इंडिया, हमारी प्यारी सी कंट्री भारत। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पहल जिसे मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज के नाम से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बता दूं, इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित किया गया इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो भाई अगला प्रश्न है फैंग्यून 4B किस देश से संबंधित है। तो अजीब सा नाम है, इसका करेक्ट आंसर है अजीब सी कंट्री चाइना। चलिए देखते हैं क्या कहती है न्यूज। एक्चुअल में चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ठीक है, इस उपग्रह का जो नाम है वो क्या है, फैंग्यून 4B। ठीक है, इस उपग्रह का उपयोग मौसम विशेषज्ञ
पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च भी किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी कंट्री है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना, द फादर ऑफ द कोरोना। ठीक है, फादर कंट्री, द ओरिजिन कंट्री ऑफ द कोरोना, तो आपको पता ही होगा। चलिए एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना डैश स्थान बनाए रखा, जबकि महिला टीम नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही। तो बेसिकली हमसे पूछा है कौन से नंबर पर मेंस की टीम आई, तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। जी हाँ, चौथा स्थान बनाए रखा भारतीय पुरुष टीम ने हॉकी में। और महिला टीम में कौन सी रैंकिंग आई महिलाओं की टीम को? तो उनको मिला 9th नंबर, 9th रैंक उनको मिला। ठीक है, अप्रैल और मई में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में FIH हॉकी प्रो लीग श्रृंखला के यूरोपीय चरण से चूकने के बावजूद भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा। तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है क्या? 4th। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 5 जून को, 5th of June को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। देख लेते हैं एक्चुअल में क्या कहती है पूरी की पूरी न्यूज। तो लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन दुनिया भर के लोगों को यह सूचित करने के लिए मनाया जाता है कि भाई प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और इसके मूल्यों के लिए इसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। चलिए फटाफट से 1 मिनट के अंदर हम कल का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। महाराष्ट्र ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता को शुरू किया है। ICMR ने पैन बायो COVID-19 नामक दूसरे घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी। फर्स्ट किट का नाम, जिसको फर्स्ट रैपिड टेस्ट किट है जो, उसका नाम आप लोगों को कहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशीहिदे सुगा। उन्होंने कोवैक्स सुविधा के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन देने के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। आंध्रा में YSR जगन्ना कॉलोनी परियोजना को लॉन्च किया गया। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और डैश बोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया। तो आई होप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, कल के वीडियो का भी अच्छे से रिवीजन हो गया हो। चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने डैश महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, तो आसाम राइफल्स इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो भाई देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 1 ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? 2500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और हाँ, PDF आप लोग को कहाँ पर मिल जाएगा? PDF आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक।